विधानसभा चुनाव की बिसात पूरी तरीके से सजती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के राजधानी मुख्यालय पर मौजूद हैं और हम पहुंच चुके हैं विद्याधर नगर हॉट सीट पर। अब देखना होगा कि विद्याधर नगर की जनता क्या मूड बना करके बैठी है, जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, जनता किस प्रत्याशी से क्या अपेक्षाएं रख रही है। उन तमाम बातों पर जो है वो हम यहाँ की जनता से सीधी बात करेंगे। देखना होगा कि जनता के मन में क्या कैंडिडेट के प्रति या पार्टी के प्रति क्या भाव नजर आ रहे हैं, या फिर जनता किसे राजगद्दी पर बिठाना चाहती है। आइए चलते हैं, आपको दिखवाते हैं, सुनवाते हैं कि यहाँ की जनता क्या कुछ कह रही है। राजस्थान में चुनावी बिसात पूरी तरीके से बीसती हुई नजर आ रही है, तो वहीं लोग जो हैं वो चाय की थड़ियों पर बैठकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जयपुर राजधानी मुख्यालय के विद्याधर नगर हॉट सीट पर। यहां पर भी कुछ लोग जो हैं वो चाय पीते हुए, चुस्कियां लेते हुए चर्चा कर रहे हैं। सीधी बात करेंगे कि वो क्या, किन मुद्दों पर, किस कैंडिडेट को वो अपना समर्थन देंगे और किस मुद्दों पर यहाँ पर कैंडिडेट अपनी जीत का रास्ता तय करेगा। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं वो युवा चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे कि किस तरीके से चाय पर चुस्कियां ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ के जो युवा हैं, ये तमाम युवा पीढ़ी नजर आ रही है आपको टीवी स्क्रीन पर, बात करेंगे। सर, चाय कैसी लग रही है? अच्छी है, चाय तो नहीं अच्छी लगती है। मोदी चाय। सर ये तो नेस्कैफे की है। अच्छा, ये विद्याधर तो हमने आज तक पी नहीं कभी जी। मतलब क्या है इस बार का रुझान, क्या लग रहा है? किस बारे में पूछना चाह रहे हैं आप? आपकी हॉट सीट है। अच्छा, दिया कुमारी जी और आपके अग्रवाल जी सीताराम अग्रवाल दोनों चुनावी अखाड़े में हैं, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? देखो, दिया कुमारी जी को हमने कभी देखा नहीं और सीताराम जी ने काम करवाया हमारी तो कॉलोनी के अंदर भी, सीवरेज का काम करवाया है। अभी 15 दिन पहले आचार संहिता से पहले सड़कों का काम हुआ है। 5 साल में कम से कम 40-50 बार तो हम देख चुके, तो जिसको हम जानते हैं, जिसको हम देखते हैं, जो हमारे साथ रहता है, अंडरस्टूड है, वोट भी उन्हीं को देंगे। सर, चाय की चुस्की ले रहे हैं? जी जी। दोनों कैंडिडेट मैदान में हैं, सीताराम अग्रवाल, दिया कुमारी, क्या मानस बना करके बैठे हैं, क्या मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? नहीं सर, पिछले 15 साल से हम तो ठगे जा रहे हैं। हमारा जितना भी बड़ा एरिया है ये, इसमें पिछले 3 बार से बीजेपी का विधायक आया और 3 बार उसने ये कमिटमेंट किया कि मैं यहाँ आपको एक बड़ा अस्पताल खुलवा करके दूंगा। वो अस्पताल नहीं खुलवा पाए यहाँ पर उठा करके। सड़कों की हालतें यहाँ खराब हैं, पानी की समस्याएं को वो पूरा नहीं करवा पाए। हम निश्चित रूप से इस बार चेंज करने का मूड है, हम कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएंगे। अब बात करेंगे, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ सर, दोनों चुनावी स्टंट हैं, क्या लग रहा है आपका रुझान कहाँ जाएगा, किस पार्टी की तरफ जाए? सर, लगने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी विद्यानगर में एक ही लहर चल रही है, कांग्रेस की लहर चल रही है, सीताराम अग्रवाल की लहर चल रही है। राजा महाराजाओं को छोड़े हुए बहुत समय हो गया, अब आम व्यक्ति को चुनने का समय आ गया है और वो 17-17 PA वाला समय हम खत्म करना चाह रहे हैं। हम तो उस आदमी को लाना चाह रहे हैं जो डायरेक्ट फोन उठाता है, डायरेक्ट काम करता है। तो एक ही मानस है और एक ही ध्येय कि कांग्रेस ने आज टिकट डिक्लेयर की है, सीताराम अग्रवाल को जिता के भेजेंगे और पूरी विद्याधर की जनता मन बना चुकी है सीताराम अग्रवाल को जिताने का। आप क्या जॉब करते हैं? आप बिजनेसमैन हैं या शॉपकीपर हैं या क्या है? मेरा खुद का काम है, कोई एक छोटा सा होटल भी चलता है मेरा और प्रॉपर्टी वगैरह का काम करता हूँ। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे? मुद्दा क्या है, वो तो महलों की रानी है सब, महलों की रानी, वो क्या मुद्दे रहते हैं? आएंगे, जरा से आए, झलक दिखा के चले गए, ये मुद्दे हैं। सवाई माधोपुर के सवाई माधोपुर गए थे, वहाँ से बक्के आ गए, राजमंद गए, वहाँ से बक्के आ गए। अब यहाँ की जनता किस बेस पे वोट देगी? कि जनता को भरोसा तो हो कि एक जगह पे कहीं पे भी आप अड़के बन के रहे हो, एक जगह पे अड़के बन के यहाँ से अगली बार फिर भागोगे। जो भागने वाला कैंडिडेट है उसके लिए क्यों मजबूती देंगे हम? हाँ सर, जो आदमी सहज सुलभ हो, जिससे हम रात को मिल सकते हैं, दिन में मिल सकते हैं, हमारे दुख से उसको साथ दे, ऐसे आदमी को हम जिताएंगे और वो ऐसा आदमी सीताराम जी अग्रवाल है। आप क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं? आदमी चार साल 11 महीने तक हमारे साथ दिन रात रहा, हम आधी रात को भी उनसे मिल सकते थे, हम फोन करते थे, अगर वो मीटिंग होते तो भी वो फोन करके हम बताते, हमसे दोबारा फोन करते थे। जिस आदमी ने रोड बनाई, जिस आदमी ने पानी लाया, जो आदमी बोरिंग लगाते हैं, जिन्होंने दिन रात हमारे लिए काम किया है, हम वोट इसी को देंगे।
भाई साहब लोकल हैं सीताराम जी, एक तो लोकल का काफ़ी सहयोग है यहाँ पे इनका, और कभी भी सुख दुख में जाओ फोन करो, कभी उठाएंगे, जनता से मिलेंगे, आधी रात को भी जाओ आप मिलेंगे। देखिए मेरी मानसिकता तो बीजेपी की मानसिकता है वैसे, और मैं तो मोदी को ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन जहाँ विधानसभा की बात आती है और कैंडिडेट की बात आती है तो मैं तो व्यक्तिगत सीताराम अग्रवाल के साथ हूँ, क्योंकि इस आदमी का डेवलपमेंट, इस आदमी का जनता के साथ जो प्रेम मोहब्बत जो है, तो मैं तो उसको सैल्यूट करता हूँ, इसलिए मैं सीताराम अग्रवाल को। सर चाय की जूस की ले रहे हैं जी? बिल्कुल सर। क्या मानस बना करके बैठे इस बार? मानस यह है कि जुमलों से लोगों का काम नहीं चलता, काम तो जो धरातल पे करता है ना उससे काम होता है, और जुमले से अब लोग ऊब चुके, और यहाँ पे सीताराम जी अग्रवाल पिछले पौने पाँच साल, चार साल, दस महीने से डोर टू डोर, घर टू घर, घर हर गली का, हर गांव का विकास करवाया है। जहाँ पे गहरे गहरे खड्डे थे वहाँ पे रोड बनवाए हैं, जहाँ पे पानी की समस्या थी वो भी गहरी थी समाधान किया है, रोड का भी करवाया, रोड लाइटों का भी किया है, और हमेशा अवेलेबल रहते हैं। रही बात हमारी पहले विधानसभा 15 साल तो महाराज ने ठग लिया अच्छी तरह से, एक बार क्षेत्र में आके कोई काम किया नहीं, अब महाराणा जी आ गई तो उनसे 400 रुपये का टिकट काटाने की हमारी तो फुर्सत है नहीं, इसलिए हम तो जय श्री राम। विधानसभा से सीताराम जी अग्रवाल जिन्होंने पिछले 4 साल 11 महीने में जो विकास कार्य करवाए हैं उसका सभी लोगों तक पहुंचे जो योजनाओं के लाभ है, और नो डाउट इस चीज़ के आधार पर बीजेपी सरकार में भी कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना हुई है, जो वर्तमान विधायक का टिकट काट करके और सांसद को लाया गया है, तो ये अपने आप में सीताराम अग्रवाल जी की, जनता की, उनके कार्यकर्ताओं की, सभी की जीत है, और हम ये चाहेंगे कि ये सहयोग सदैव सीताराम जी के साथ बना रहे। अब की बार सीताराम सरकार। अच्छा, क्यों, किस लिए? क्योंकि सीताराम जी हमारे साथ में 4 साल और 11 महीने से बराबर रहे हैं, एक जनसहयोग के रूप में जनता के बीच में काम कर रहे हैं, इसके इन कार्यों से ना हम खूब ज़्यादा खुश हैं, और हमें खूब ज़्यादा उन्नति की राह लग रही है विद्यानगर में। आक्रोशित लग रहे हैं, आपकी आंखों में बड़ा गुस्सा नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत गुस्सा है, 15 सालों से हम बहुत परेशान हो रहे हैं, एक भी विकास नहीं हुआ, और हमारे को तो जनसेवक चाहिए सीताराम अग्रवाल जैसा, और हमारे को रानी नहीं चाहिए, हमारे को जनसेवक चाहिए सीताराम अग्रवाल अग्रवाल जी, जो यहाँ 2 किलोमीटर जाके हम साइन करवा सके, हमारे जो लोकल है हमारे को राजसमंद जाना नहीं पड़े, 350 किलोमीटर टिकट कटाने के पैसे नहीं हमारे पास, जाके उनसे थप्पा लगवा के लाएं, साइन करवा के लाएं, वो लोकल है लेकिन यहाँ रहती नहीं है, वो विधानसभा रहती है, वहाँ रहती है अपने राजसमंद, आओ हमारे से बात करो धरातल के ऊपर, मैं बीजेपी के 8 ग्रुपों में भी ऐड हूँ और कांग्रेस के 10 ग्रुपों में ऐड हूँ। यहाँ पे सीताराम मतलब 200 विधायकों में से एक प्रत्याशी ऐसा है जो अभी तक 4 साल 10 महीने के अंदर 80,000 मकानों में डोर टू डोर घूम के आए हैं। मैं सीताराम जी के लिए समर्थन करता हूँ, विद्याधर नगर की जनता को ये बताना चाहता हूँ, काम किया है, काम करेंगे, और सीताराम जी का पूर्ण बहुमत के साथ सहयोग करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से युवा जो हैं वो लगातार जो समर्थन कर रहे हैं, उस समर्थन से यही लग रहा है कि अब सीताराम जो है वो मैदान में उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। ये आप तमाम सीताराम 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 एक ही नाम सीताराम। अब जनता ने मन बना लिया है, विद्याधर नगर की जनता ने मन बना लिया, या कांग्रेस बीजेपी नहीं, ओनली सीताराम। सर ये दिल की बहुत अच्छे आदमी है और सबसे प्रेम से बात करते हैं, और इनको काम करने में पॉजिटिव इंसान है, इसमें नेगेटिविटी हमने कभी देखी नहीं। सर बीजेपी वालों ने अच्छा नहीं किया ये काम, एक तो 4 साल 11 महीने से जो आदमी मेहनत कर रहा है उसके सामने हमारी प्रिंसेस को हराने के लिए खड़ा कर दिया, नाराजगी है सर, बहुत बुरी तरह हारेगी प्रिंसेस तो बुरा तो लगेगा, अब क्या कर सकते हैं सर। देखो ये लड़ाई अब आम जन की बन चुकी है, एक महलों की रानी है और एक जनसेवक है जिसने पूरे 5 साल जनता के बीच में रहकर काम किया है, लोगों का दिल जीता है। ये मत तो देखो दिल से दिया जाता है, पद देखकर नहीं दिया जाता कि आपका पद क्या है, मत के लिए तो इस दिल में जगह बनानी पड़ती है, जो सीताराम अग्रवाल ने पूरे विद्याधर नगर नहीं पूरे जयपुर शहर के लोगों के दिल में जगह बनाई है। जय सीताराम, जय सीताराम। सीताराम जो विधायक ना रहते हुए भी हमारे विद्यानगर झोटवाड़ा में इतना काम करा दिया, अगर वो विधायक बन जाएंगे तो फिर इस विद्यानगर की काया ही पलट हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी सीताराम जी भाई साहब के इसमें पार्टी मत देखो,
एक आदमी को देखो जो आदमी 12 घंटे 24 घंटे पब्लिक के लिए तैयार रहता है। एक बार मैंने उनको रात को 12 बजे फोन किया मेरे काम से, तो अगले ने उस बंदे ने फोन उठाया। तो मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि हम काम को वोट देंगे, नाम को वोट नहीं देंगे, क्योंकि 15 साल से यहाँ पे सिर्फ बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार देती है, उसके बाद में फिर वो लोग चले जाते हैं। अब जो आदमी हमारे पास जो लोकल रहेगी, जो काम करवाएगा, हम उसको वोट देंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। हम तो सीताराम जी को जानते हैं, मैडम को जानती ही नहीं है भाई, मैडम तो अभी यही है, सीताराम जी तो शुरू से यही है, तो सीताराम जी को ही देंगे। सीताराम अग्रवाल को वोट देंगे, सीताराम अग्रवाल को जिताएंगे। हमने 3 बार जिता के देख लिया बीजेपी को, इसने काम नहीं किया, सीताराम अग्रवाल जी ने काम किया है, इनको जिताएंगे। जवानों का तो आपने ले लिया इंटरव्यू, लेकिन कम बुजुर्गों को पूछो आप। बुजुर्गों की 2 स्कीम थी, एक जो OPS और एक गरीबों को ये आपकी चिरंजीव योजना। 2004 के अंदर वाजपेयी जी ने OPS को बंद कर दिया था, और उसके बाद में भाई साहब इस बार क्या किन मुद्दों को लेकर के चुनाव करेंगे? भारतीय जनता पार्टी विद्याधरनगर से दिया कुमारी जी मैम खड़े हुए हैं, और उनकी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि उन्होंने जो 5 साल काम कराया है, सांसद भी रहे हैं राजसमंद से, और उससे पहले सवाई माधोपुर से विधायक भी थे, तो उन रिकॉर्डों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की 100% जीत निश्चित है। और आप ये मान के चलिए कि ऐतिहासिक जीत होगी, ये कन्फर्म है, और हम कर्मठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और 100% बीजेपी को वोट देंगे। 5 साल में हमारे विकास भी हुआ, अच्छा विकास हुआ, ठीक है साहब, हम वोट देंगे, पार्टी को देंगे, जो कैंडिडेट हमारे काम किया उसको हम वोट देंगे तन मन से, और औरों को दिलवाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार चुनाव में? चुनाव मुद्दा अच्छा ही है सब। क्या मुद्दा रहेगा? विकास का है, विकास जो विकास करेगा उसके साथ है हम, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। उन्होंने साहब 4 साल सीताराम जी अग्रवाल खूब। हाँ सर, नमस्कार सर। इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सर मुद्दे ये है सर, किसी 5 साल के बाद के अंदर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उसके बाद में याद करी, 5 साल के बाद में कोई याद नहीं करता। मैं 5 साल के बाद में आज रोडें बनाई, सब बना दी, कोई किसी की नहीं देता, किसी को कोई मजदूर आदमी होता वगैरह होता कोई भी निगम वगैरह आती है, सब किसी गरीब आदमी को सबको उठा के लेके जाती है, सब आदमी अपने जेब में पैसे डालता। भैया हम तो भैया जो आएगा उसको देंगे, वरना हमारा काम करेगा उसको देंगे, रोड पे लाइटें वगैरह कुछ ही नहीं है भाई साहब। ये है किसी आज ये मान लो इतने बैटरी वाले हो गए, रिक्शे वाला हो गए, सिटी के अंदर हो गए, ऑटो वाला कोई भी नहीं पूछ रहा भाई साहब, आज इतने क्यों कर दिया इसने, ये कांग्रेस ने इसने ही इसीलिए ये कर दिया इसने, ये है। आज सुनिए, आज ये मोदी ने इतना काम किया है, मोदी ने इतना काम किया जितना कोई भी नहीं कर सकता भाई साहब। ये है आज ये मान लो क्या मियो के इसने गहलोत ने सब साथ दे दिया। आज लोग हमारा आधार कार्ड था, आज तक हमारा कभी भी चालू नहीं हुआ अभी तक। ये है हमको कुछ ही नहीं मिला, राशन वगैरह कुछ ही नहीं मिला हमारे को। ये है नहीं साहब, मेरे को कुछ ही नहीं मिला साहब, आज तक कभी भी कुछ भी नहीं मिला। नहीं साहब हमारे कुछ नहीं मिला, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं मिला हमारा, कुछ ही नहीं मिला साहब। अब ये हम मोबाइल लेने जा रहे हैं तो इसने बोला लाओ साहब 500 रुपये दो, खाएंगे 500 रुपये दो, खाएंगे तो 500 रुपये हम लोग खाएंगे, तो 500 रुपये हम लोग। जी हाँ भ्रष्टाचार हुआ। आज ये मान लो कबाने चले गए खोरा तक बेनार, तो किसी ने कुछ नहीं किया भाई साहब। आते ये मान लो जीता कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, 5 साल बाद में याद क्यों कर रहा हमको ये बताइए आप। सूरजमल सैनी दादी का फाड़ा बेना रोड जोटवाड़ा। भैया आप युवा हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करेंगे? जी मैं इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करूंगा कि मेरे जो राजस्थान में जो सरकार थी कि उन्होंने इस प्रदेश के लिए क्या किया, और जो मेरे विधानसभा है विद्याधरनगर विधानसभा, यहाँ के जो लोकल मुद्दे थे, लोकल MLA थे, उन्होंने क्या किया। पिछले यहाँ पर 15 साल से नरपत सिंह राजवी MLA बने हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर कोई विकास के कोई कार्य के नहीं किए। पहले यहाँ से विक्रम सिंह जी 2 बार चुनाव लड़े, यहाँ पर अशोक गहलोत जी की सरकार आई, उनके जो मुद्दे आए वो जिस तरीके से पावर में रहे, वो यहाँ पर योजनाएं लेकर आए। यहाँ पर पहले कई जगहों पर बिशनपुर की लाइनें नहीं थी, विक्रम सिंह जी ने यहाँ लाइनें उड़वाई। उसके बाद विक्रम सिंह जी के बाद सीताराम जी यहाँ पर आए, वो आए चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने इस यहाँ पर इस जगह पे विधानसभा में 800 करोड़ रुपए के काम करवाए, जिसका उनको किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। वो 40,000 से ज्यादा घरों में इस विधानसभा में जा चुके हैं। आपको लगता है क्या कांग्रेस समर्थक है? नहीं मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ, इस बात से कोई वो नहीं होता, लेकिन जो काम है उनके काम को मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम लेकर घूम रहे। इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप युवा है, इस बार मेरे ये मुद्दे रहेंगे कि एक तो बेरोजगारी जो है जिसमें मिलना चाहिए, एक जो पेपर लीक हुए वो नहीं होने चाहिए थे, ये मेरे मुद्दे रहेंगे। तो आप
बड़े व्यापारी के रूप में आप यहाँ मौजूद हैं, इन 5 सालों में आपको किस पार्टी से बेनिफिट हुआ, क्या लगा आपको कि कौन सी पार्टी वापस से राजस्थान में सत्ता पर आनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी आएगी वो सत्ता में वापस, क्योंकि काम अच्छा किया इन्होंने, हर वर्ग का ध्यान रखा, व्यापारियों का भी ध्यान रखा और इन्होंने अच्छी मतलब सेवा की राजस्थान में। भैया आप युवा हैं, इस बार क्या मानस बना करके बैठे हैं, किस पार्टी को समर्थन देंगे, क्योंकि आप भी एक चाय बेच रहे हैं? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को क्यों वोट करेंगे आप? बीजेपी ने किया है सब कुछ। क्या दिया बीजेपी ने? आप चाय बना रहे हैं, आप युवा हैं, कांग्रेस ने भी किया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया, इतनी योजनाएं चलाई है कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन आजकल क्या है सब भड़काऊ लोग है, कोई बीजेपी के लिए बोलता है, कोई किसके लिए बोलता है, आजकल सब पैसों के लिए बोलते, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। कांग्रेस ने बहुत कुछ योजनाएं चलाई है, अभी महिलाओं को मुफ्त में फोन वितरण कर, मोबाइल वितरण करवाइए और खाने की वस्तुएं बांटिए, दाल चीनी आटा सब कुछ, और 100 यूनिट फ्री करवाइए और आगे भी बहुत सारी योजनाएं चलवाएंगे। किस पार्टी को समर्थन करेंगे आप, यहाँ के स्थानीय हैं, मतदाता हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर के वोट करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जय भारत, जय मोदी, जय फौजी, जय योगी और जय कमल। इसके बाद यदि आप किसी मुद्दे पे आते हो तो पहला मुद्दा मेरा ये है कन्हैया लाल उदयपुर से, जिसकी नरसंह हत्या करी गई लेकिन आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। यदि यहाँ मोदी होता वो सॉरी योगी होता, योगी की सरकार होती तो आपको और मुझे और पूरी जनता को पता है कि उसका क्या हर्ष होता। दूसरा सवाल का जवाब मेरा ये है, अभी कुछ दिन पहले रामगंज क्षेत्र में एक सलीम या शायद सलीम नाम था उसका, उसकी जाने हत्या की गई थी या रोड एक्सीडेंट था, 50 लाख रुपए जो कि आज तक किसी को भी नहीं मिले, नहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा मैं, वो भी भाई हैं हम भी भाई हैं, मैं इस बात पर नहीं कहूंगा, लेकिन बात आती है गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट कुल मिलाकर के पाकिस्तान की है, कांग्रेस गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, ना कि इंडिया भारत की है, हिंदुस्तान की बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम और हमारी पूरी जनता, पूरा परिवार, पूरा देश यही चाहेंगे कि मोदी और कमल खिले। तो यहाँ पे तो आपकी दिया कुमारी है, इधर से सीता, बिल्कुल है, दोनों मैदान में है, मैदान में है, मैं दिया कुमारी जी का समर्थन इसलिए करूँगा, सबसे पहले तो वो एक राजघराने घराने से हैं, दूसरा रीज़न कि वो बीजेपी से हैं, भले वो हमें आगे कुछ दे या नहीं दे, लेकिन आज हमें इतना आत्मविश्वास है, इतना बल है हमारे अंदर कि हम अंगूठा किस पे लगाएंगे, कमल पे, कमल खिलेगा देश खिलेगा। मेरा संजय शेखावत। आंटी जी इस बार आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर के वोट करने जाएंगे, क्या सोच रहे हैं आप? हम तो यही सोच रहे हैं, हम तो मोदी को ही देंगे, मोदी को देना चाहते हैं, क्योंकि हमको बहुत कुछ सस्ते में मिल रहा है, सस्ता सामान वामान सब कुछ मिल रहा है, हम तो यही सोच रहे हैं मोदी को ही देंगे। लेकिन आपके इस विद्यानगर में तो एक तरफ जो है वो सीताराम अग्रवाल हाँ, है, दूसरी हाँ। तरफ दिया कुमारी है, तो आप किसकी तरफ रुझान करेंगे और क्यों करेंगे, आपके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? भाई हम तो दिया कुमार कमल के फूल को ही देना चाहते हैं, हम तो उन्हीं से ज़्यादा संतुष्ट है, सामान वामान भी सही मिलता है, सब कुछ हमारे को राजी, और अभी तो हमको मोबाइल भी दिया है उन्होंने, मोबाइल दिया था, इस वजह से हम तो उन्हीं को देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुलोचना जैन गंगवाल। मैम क्या मुद्दे रहेंगे, आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर के वोट करेंगे, कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट आपके लिए बेस्ट है? हमारे लिए तो जो विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र हमारे लगता है, दिया कुमारी यहाँ से खड़ी हुई है एंड श्योर टू श्योर वही जीतेगी। दिया कुमारी इसलिए जीतेगी क्यों, उनको अपने घर पर कोई पेमेंट जो रकम जो है वो इकट्ठी नहीं करनी, उनके पास में पहले से ही भगवान का दिया सब कुछ है, उसके अलावा वो जो भी विधायक कोष से उनको जो भी फंड मिलेगा वो जनता की भलाई और सेवा के लिए लगाएंगे। तो आपको
इस बार आप किस पार्टी को वोट करोगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करोगे? आप दुकान चला रहे हो, क्या है? मोदी तो मोदी को वोट करोगे? क्यों करोगे मोदी को वोट? हमारे लिए बढ़िया है, तो हमारी दुकान के लिए भी अच्छा है, हमारे तो परेशान भी नहीं करते ना, आदमी परेशान था, साफ सफाई भी रहती है, इसलिए। तो आपके यहाँ विद्याधर नगर में यहाँ की जनता किन मुद्दों पर चुनाव करेगी, इसी की चर्चा को लेकर के हम डोर टू डोर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, और इसी के तहत हमारे पीछे कुछ लोग जो हैं वो चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो अपनी दुकान पर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका काका? रामदास। रामदास जी, इस बार क्या आपके चुनावी मुद्दे रहेंगे, आप किसको वोट करेंगे? चुनावी मुद्दा तो क्या है कि किसी को दे सकते हैं वोट, मेरे हिसाब से तो जो अभी आगे चल रहा है उसी का हिसाब किताब लग रहा है। किस पार्टी को समर्थन करेंगे आप? समर्थन तो मेरे हिसाब से तो यही जो आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें कमल का हिसाब चल रहा है, मेरे हिसाब से कह नहीं सकते, फिर समय का निकले ये बात है। क्या मतलब बीजेपी सरकार में फायदा हुआ या कांग्रेस सरकार में फायदा हुआ? फायदा नुकसान तो हम जानते नहीं है, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आदमी का काम चल रहा है, फायदा नुकसान के क्या कहे कि दोनों एक थाली के चट्टे पट्टे, थाली नुकसान से हमें मुझे मतलब नहीं, नुकसान फायदा उठाना है तो और किसी दूसरे से बात करें। बिल्कुल, हमारे साथ और भी है, आप यहाँ के ही हो? यहाँ के ही हो, चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है, लोग क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे रखते हैं। आइए इधर आइए, इस बार क्या चुनावी मुद्दा रहेगा आपका? अच्छा, तो वोट किसको देना है यही पूछ रहे हो ना आप? देखो दोनों पार्टियों के अंदर से दोनों में से एक तो जरूर आएगा, और या तो कांग्रेस आओ या जनता हो। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर के वोट करेंगे आप, किस पार्टी को समर्थन देंगे आप? हम तो कांग्रेस को देंगे, हम तो साफ खेने वाले हैं और कांग्रेस को देते आए हैं। क्यों, कांग्रेस को क्यों देंगे वोट आप? हमारी तो सर उसे ही यही है। अच्छा, जब से सूरत संभाली है ना, जब से हम तो कांग्रेस को ही देते हैं। राजस्थान में चुनावी शंखनाद पूरी तरीके से बजता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं प्रत्याशी भी जो है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान को भी तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक जो है वो 95% उम्मीदवार इस चुनावी दंगल में उतार चुकी है। बात कर लेते हैं 200 विधानसभा क्षेत्र की, तो लगभग 200 विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का डंका बजाने के लिए जो है वो पूरी तरीके से जनसंपर्क अभियान को भी तेज कर दिया है। बात करें झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की और बात करें विद्याधर नगर क्षेत्र की। पहले बात करेंगे विद्याधर नगर क्षेत्र की। विद्याधर नगर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल वर्सेज राजकुमारी दिया कुमारी के बीच जंग और वर्चस्व की लड़ाई नजर आती है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी किस पर कितना भारी होता है। इसी के तहत आज हम पहुंच चुके हैं उसी विधानसभा क्षेत्र में, और यहां की जनता का हमने मूड जाना, यहां की जनता कैसे मूड बनाकर के बैठी है और किन मुद्दों पर यहाँ की जनता चुनाव और वोट करेगी। वहीं जनता जनार्दन ही तय करेगी कि विद्याधर नगर सीट से कौन सा प्रत्याशी इसी विधानसभा क्षेत्र में, या फिर यूं कहें कि इसी विधानसभा के राजनीति के मंदिर में पहुंचेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज 21 जयपुर।